तोते की मौत पर अदालत ने महिला को सुनाई कैद की सजा, वजह जानकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते इस हैरतअंगेज घटना के बारे में। इंसान खुद चाहे तो पालतू और मासूम जानवरों पर जुल्म ढा सकता है, लेकिन अगर खुद इंसान को भी इतनी सी भी तकलीफ होती है तो वो उसे जान से मार देता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला वियतनाम में, जहां एक महिला ने एक तोते की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। जी हां, इस घटना के बारे में पूरी बात जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वियतनाम की रहने वाली त्रान थी थुई हैंग नामक महिला अपने पति और सौतेली बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी के पास लकी नाम का एक तोता था जो कि उस मासूम सी बच्ची को बहुत भाता था। एक दिन लकी ने हैंग के दाहिने गाल को काट लिया, जिससे हैंग आग बबूला हो गई। वो इतनी सी बात से इस कदर चढ़ गई कि उसने इस बात की शिकायत अपने पति यू ची मेंग से की और लकी को घर से बाहर निकालने को कहा, लेकिन उसके पति ने ऐसा नहीं किया। इधर इस बीच एक दिन पति और बेटी के घर से बाहर निकलते ही हैंग ने थापी से उस तोते पर वार किया। वो तब तक उसे मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। इतना ही नहीं, तोते के मर जाने के बाद उसने लकी और पिंजरे को घर के बाहर फेंक दिया। हैंग द्वारा बेरहमी से किए गए एक मासूम की हत्या के चलते सिंगापुर की अदालत ने उसे सजा भी सुनाई, जिसके चलते आपको बता दें कि हैंग को 5 हफ्ते की कैद की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान हैंग ने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में उससे गलती हुई है। हैंग के इस वर्ताव को देखकर उसके परिवार के सदस्य सहित बाकी लोग भी बेहद हैरान है। सबका यही सोचना है कि आखिर कोई इस तरीके से कैसे एक बेजुबान की हत्या कर सकता है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर।